द अर्लिएस्ट स्टेट द 16 महाजनपद्स द 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा इज ऑफन रिगार्डेड एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री इट इज एन एरा एसोसिएटेड विद अर्ली स्टेट्स सिटीज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज एक्सेट्रा मतलब ये कि 6th शताब्दी ईसा पूर्व 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा मतलब आज से लगभग लगभग 2600 साल पहले का जो टाइम पीरियड है आज से 2600 साल पहले जो 6th शताब्दी ईसा पूर्व चल रही थी वो भारत के एंशियंट इतिहास की अगर हम बात करें इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री को अगर हम कंसिडर करें तो उसमें एक बहुत मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम ड्यूरेशन या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कालखंड के तौर पर इसको कंसिडर किया जाता है। इसकी वजह यह है कि इस ड्यूरेशन में इस टाइम पीरियड में जो भारत के सबसे शुरुआती अर्लीस्ट स्टेट थे उनका निर्माण शुरू हुआ भारत के जो सबसे शुरुआती राज्य थे वो इस टाइम पीरियड में बनना शुरू हुए। हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो जाने के बाद में दूसरी बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिटीज़ का जो उदय है वो भी इस टाइम पीरियड पे शुरू हुआ फिर से जो है नए शहर हमको दिखने को मिलने लगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो जाने के बाद से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लाइफ अर्बन से रूरल की तरफ लौट गई थी वो रूरल से फिर से अब अर्बन लाइफ स्टाइल की तरफ में वापस दोबारा पलट रही थी और नए नए शहर जो है अब फिर से डेवलप होते हुए दिख रहे थे। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो 6th शताब्दी ईसा पूर्व को इंपॉर्टेंट बनाता है रेलेवेंट बनाता है वो है आयरन का इस्तेमाल शुरू हो गया था। ना सिर्फ आयरन का इस्तेमाल शुरू हो गया था काफ़ी बड़े लेवल पर आयरन का इस्तेमाल होने लगा था। आयरन का इस्तेमाल इसके पहले ही शुरू हो गया था मगर आयरन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर जो अडॉप्ट हुआ है वो 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास या लगभग आज से 2600 साल पहले हमको देखने के लिए मिलता है। इस टाइम पीरियड में आयरन का जो इस्तेमाल है उसकी ग्रोथ हुई और आयरन की ग्रोथ के साथ ही साथ आपकी इकोनॉमी भी ग्रो करती है अलग अलग तरीके के जो है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन भी डेवलप होते हैं और उससे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी डाइवर्सिफाई होती चली जाती हैं। इससे ट्रेड वगैरह की ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प मिली और इस ट्रेड की ग्रोथ के चलते फिर जाति का भी जो पूरा एक सिस्टम था अलग अलग जो आपके आपके टास्क हैं या फिर जो अलग अलग आप जो काम करते थे उसके स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर जातियाँ भी जो है काफ़ी सारी डेवलप होना शुरू हुई। इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे इसके बाद वाले चैप्टर में तो वो डिस्कशन कभी और। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि कॉइनेज का जो डेवलपमेंट है वो भी इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमको देखने के लिए मिलता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में पैसे का इस्तेमाल होता था या नहीं होता था उसके बारे में हिस्टोरियंस आज तक कोई बहुत सटीक तौर पे कुछ कह नहीं पाए। मैक्स टू मैक्स हिस्टोरियंस का मानना यह है कि हड़प्पा वाले तो बार्टर से अपना काम चलाते थे यानी कि वस्तुओं का लेन देन किया करते थे। कल को अगर और रिसर्च हो और हमको पता चले कि भाई वो लोग भी पैसे का इस्तेमाल करते थे और पैसे के नाम पर या फिर मनी के कम का क्या कंसेप्ट था पैसे के नाम पर वो क्या इस्तेमाल करते तो शायद थ्योरी बदल जाए बट आज की तारीख में हड़प्पा वालों के बारे में अपने को यही पता है कि वो लोग बार्टर का इस्तेमाल प्रोमिनेंटली किया करते थे या हिस्टोरियंस का ही मानना है कि वो बार्टर का इस्तेमाल किया करते थे। तो एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं भारत में पहली बार मुद्रा का इस्तेमाल जो है वो 6th शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में शुरू हुआ 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास में कॉइनेज का डेवलपमेंट शुरू होता है लोग सिक्कों का पैसों का जो है इस्तेमाल पहली बार करना शुरू करते हैं और हम लोग बार्टर से एक तरीके से कह सकते हैं मनी इकोनॉमी के जो शुरुआती अर्लीस्ट फेजेस थे उनकी तरफ हम लोग अपने कदम बढ़ाते हैं। अब ये सारे के सारे चेंजेस हो रहे थे तो जाहिर सी बात है सोसाइटी में कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हुआ था। 6th शताब्दी ईसा पूर्व के पहले की जो सोसाइटी अब तक थी और 6th शताब्दी ईसा पूर्व में जब ये डेवलपमेंट धीरे धीरे होना शुरू हुए और ग्रेजुअली इन्होंने जब रफ्तार पकड़ी तो उसके बाद सोसाइटी में एक बड़े लेवल पर हमको ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलता है और जैसे जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन होता चला गया तो उसने भारत के प्राचीन भारत इनफैक्ट कहना चाहिए उसके इतिहास के हर एक एस्पेक्ट के ऊपर एक बड़ा गहरा असर डाला। ये सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज हो रही थी नए किस्म की डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट्स जो थे वो डेवलप होना शुरू हुए थे। 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के पहले भारत में जिस तरीके की रिलीजियस थॉट प्रोसेस डेवलप हुई थी जिस तरीके के रिलीजियस बिलीफ डेवलप हुए थे इस टाइम पीरियड तक आते आते उन सारे बिलीफ्स को भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन किया जाना शुरू हो गया था उनके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन शुरू हो गए थे और कई बार जो पुराने बिलीफ्स थे उनमें कोई प्रथा चलती आ रही है कोई कस्टम है कोई आपकी किसी भी तरीके का अगर कोई प्रथा है तो उसको ना सिर्फ क्वेश्चन किया जाने लगा था कई सारी चीज़ों को इनफैक्ट अब उनका विरोध भी होने लगा था कई सारी चीज़ों को निगेट भी किया जाने लगा था। इन सब चीज़ों के चलते नए नए स्कूल ऑफ थॉट जन्म लेते हैं नए नए जो है अल्टरनेटिव कह सकते हैं फिलोसफीज जन्म लेती हैं जो वक्त के साथ में फिर रिलीजन के रूप में भी डेवलप होती हैं एंड उनका भी फिर भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलता है। इसी में जो दो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रभाव डालने वाली इंडियन सोसाइटी के ऊपर जो दो धाराएं शुरू होती हैं एक है बुद्धिज़्म और एक है जैनिज़्म इनके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे चैप्टर नंबर 4 में बहुत डिटेल में बट अपने को अभी याद रखना है कि 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में ये दोनों फिलोसफीज़ ये दोनों विचारधाराएं हैं ये पूरा का पूरा एक जो आपका स्कूल ऑफ थॉट है बुद्धिज्म का एंड जैनिज्म का ये डेवलप होना शुरू हुआ था। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी 6th शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में लगभग 2600 साल पहले हिंदुस्तान में हो रही थी। अब इन सारी चीजों को अगर आप एक बार इमेजिन करोगे तो फिर आप सोच सकते हो कि 6th शताब्दी ईसा पूर्व के पहले एक सोसाइटी है जिसमें काफी हद तक एक मोनोटोनस किस्म का जो है लाइफ स्टाइल देखने को मिल रहा है एकदम से 6th शताब्दी आती है और काफी सारी चीजें एक साथ ट्रिगर होती हैं। अब आपको राज्यों का निर्माण होता हुआ दिखता है अब आपके जो है स्टेट्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया साथ ही साथ आपके फिर जो है सिक्कों का आदान प्रदान शुरू हो जाता है लोग अब तक प्रोमिनेंट
डेफिनेटली बार्टर का इस्तेमाल करते थे, बार्टर की जगह पे अब सिक्कों का यूज करने लगे हैं, साथ ही साथ आयरन का जो टूल्स हैं उसके इस्तेमाल की मदद से खेती बाड़ी अब ज्यादा होने लगी है, उसके चलते और कई सारी चीजें होने लगी हैं। साथ ही साथ अब जब आपका पेट भरने लगा, जब आपकी काफी सारी जो बेसिक नीड्स पूरी होने लगी, तो फिर आपके पास में बैठ कर विचारने का भी टाइम है और आप अलग अलग जो आपकी फिलोसफीज हैं, अलग अलग जो आपके रिलीजियस थॉट प्रोसेस हैं, उस पर डिबेट एंड डिस्कशन कर रहे हैं और उसके नतीजे में और नई फिलोसफीज का जन्म हो रहा है। ये सारी की सारी चीजें छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हो रही थी। अब अर्ली बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट जो हमारे पास में मौजूद है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जैसे जैसे डेवलप हुआ तो इसमें काफी लिटरेचर भी लिखा गया था, और क्योंकि ये इस टाइम पीरियड में डेवलप हो रहा था इसलिए अगर हम लोग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का जो सबसे शुरुआती जो लिटरेचर है, जो सिक्स सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास ही लिखा गया था या डेवलप होना शुरू हुआ था, उसको अगर हम लोग स्टडी करें तो हमें सिक्स सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट समझ में आते हैं। तो एक उसमें से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, अगर आप अर्ली बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट को पढ़ते हो तो आपको यह पता चलता है कि इस टाइम पीरियड में कुल मिलाकर 16 स्टेट्स या 16 महाजनपदें जो हैं वो अस्तित्व में हुआ करती थी। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है अपने को शुरुआती सबसे अर्लीस्ट सबसे पुराने बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट दोनों में मिलती है, तो इसलिए अपन लोग एक तरीके से कन्फर्म भी कर सकते हैं, कह सकते हैं कि यार 16 महाजनपद या 16 स्टेट्स रहे जरूर होंगे, क्योंकि एक टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो हो सकता है शायद सच ना हो, मगर दो अलग अलग फिलोसफीज के टेक्स्ट में अगर इस बात को लिखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये सर्टिफाई करता है कि हाँ प्राचीन भारत में 16 महाजनपदें या 16 स्टेट्स रहे होंगे, 16 महाजनपद उस टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करती होंगी। अब ये जो महाजनपद हैं, इसमें जो शब्द आ रहा है, महाजनपद में जो शब्द आ रहा है जनपद, इसका मतलब अपन लोग पहले देखते हैं फिर बाकी बात करेंगे कि ये महाजनपद या फिर इसमें जो जनपद शब्द है इसका क्या मतलब। जनपद मीन्स द लैंड वेयर अ जना, अ पीपल, क्लैन और ट्राइब सेट्स इट्स फुट एंड सेटल्स। इट इज अ वर्ड यूज इन बोथ प्राकृत एंड संस्कृत। तो जनपद का मतलब क्या होता है, जनपद दो शब्दों से मिलकर बना है, जन और पद। जन या फिर जो जना है इसका मतलब एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक पूरा का पूरा कुटुंब भी हो सकता है, या फिर एक पूरा का पूरा कबीला भी हो सकता है। अब अगर लेट से आपके पास में कोई जमीन का एक टुकड़ा है, जमीन का कोई पूरा का पूरा इलाका है, यहां पर अब अगर एक व्यक्ति जो है या फिर एक परिवार या फिर एक पूरा का पूरा कबीला अगर आता है और यहां पर आकर सेटल डाउन हो जाता है, तो फिर हम लोग ये कहेंगे कि भाई ये जो जन थे ये इस पर्टिकुलर जगह पर आए और इनके पद यहां पर पड़े। तो ये पर्टिकुलर जगह जहां पर ये पर्टिकुलर व्यक्ति आए, यहाँ पर आके ये अल्टीमेटली इनके पद यहाँ पर पड़े, अपने पूरे परिवार के साथ में, अपने पूरे ट्राइब के साथ में ये फिर इस इलाके में सेटल हो गए, तो उसके लिए आपने शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जनपद। अब जनपद शब्द जो है अंग्रेजी में अपने इसको जनपदा बोल रहे हैं, मगर प्रोमिनेंटली हिंदी में इसको जनपद बोलते हैं। तो जनपद शब्द जो है ये प्राकृत भाषा में भी इस्तेमाल होता है, संस्कृत भाषा में भी ये इस्तेमाल हमको देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि भाई 16 महाजनपद हुआ करती थी। जनपद का मतलब क्या होता है कि एक ट्राइब या फिर एक पर्टिकुलर क्लैन अगर कहीं पर सेटल हो गई है, या फिर एक परिवार या फिर एक कुटुंब कहीं पर सेटल हो गया, तो उसको आपने जनपद बोल दिया। अब अगर इसका मतलब यह हुआ कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर एक से ज्यादा ट्राइब सेटल हो गई है, या फिर एक ट्राइब जो वहां पर सेटल हुई थी वो बढ़ते 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 बहुत बड़े इलाके में फैल गई है, जितने बड़े इलाके में जनरली ट्राइब्स नहीं फैलती हैं, तो उसके लिए फिर आपने जो शब्द इस्तेमाल कर दिया वो हो गया महाजनपद। तो समझिएगा इस बात को, जो पुराने सबसे शुरुआती दौर के बौद्ध और जैन टेक्स्ट में अपने को पता चलता है कि जो 16 महाजनपद है, इसमें जनपद शब्द का मतलब होता था एक पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति, उसका परिवार, उसका कुटुंब या फिर उसका कबीला या ट्राइब अगर आकर सेटल हो गई है, तो उसके लिए फिर वो शब्द इस्तेमाल करते थे जनपद। अब अगर यहां पर एक इलाके में काफी सारी ट्राइब सेटल हो गई है, तो उसके लिए अपन लोग महाजनपद शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि एक जगह पर आकर कोई व्यक्ति जो है वो सेटल हुआ छोटे से इलाके में, बढ़ते 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 उसकी जो ट्राइब थी वो काफी बड़े इलाके तक फैल गई, काफी बड़े इलाके तक जो है उसका कुटुंब जो है फैलता चला गया, तो उसके लिए फिर आपने महाजनपद शब्द इस्तेमाल कर दिया। अब ये जो महाजनपद थी, कुल मिलाकर 16 जो महाजनपद थी, ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एकदम क्रिस्टलाइज होकर निकल कर आ गई थी, और इसलिए इनके बारे में हमको जिक्र बौद्ध और जैन टेक्स्ट दोनों में देखने को मिलता है, प्राकृत और संस्कृत भाषा दोनों में जो है जनपद शब्द का इस्तेमाल हमको देखने को मिलता है। अब इनमें से जो प्रोमिनेंट जनपद हुआ करती थी, एक एक करके मैं आपको मैप पर दिखाता हूं। ये जो छोटा सा आपको इलाका देखने को मिल रहा है बिहार और बंगाल के आसपास में के बॉर्डर पर, ये अंग देश कहलाता था, या फिर इस जनपद का नाम हुआ करता था अंग। इसी तरीके से यहाँ पर इसके नीचे जो बंगाल का जो पोर्शन है आज का, यहाँ पर जो ये छोटा सा इलाका आपको देखने को मिल रहा है इसको बोला जाता था वंग। इसके इस तरफ में अगर आप आ जाएंगे बिहार का जो इलाका है, यहाँ पर मगध देखने को मिल रहा है, यहीं पर वैशाली है, यहीं पे आपका मल्ला है, बिरजी है, काशी है, अयोध्या है, कौशल है, श्रावस्ती है, पांचाल,
सुरासेना, मत्स्य, कुरु, अवंती, छेदी, अश्माका, यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे तो कंबोज है, गांधार है, तक्षशिला है। इस तरीके से ये अलग अलग छोटे 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 जो हैं इस तरीके के आपको स्टेट्स या जनपद देखने के लिए इस टाइम पीरियड में छठी शताब्दी में ईसा पूर्व से लेके पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में आपको ये जनपद वगैरह देखने के लिए मिलते थे। ठीक है जी। और इनका जिक्र अपन दो सोर्सेस से कन्फर्म करते हैं, पहला है बौद्ध सोर्सेस से और दूसरा है जैन सोर्सेस से। एक और फोटोग्राफ देखिए, ये इंडिया के पॉलिटिकल मैप पर इन्हीं को बनाकर दिखाया गया। हालांकि अलग अलग सोर्सेज जिसमें भी आपको महाजनपदों का जिक्र मिलता है उसमें कई बार जो महाजनपदों की लिस्ट है वो वेरी करती है, यानी कि कई जगहों पर हो सकता है कि 16 की जगह आपको कुछ नंबर कम करके मिले, हो सकता है एक आध जगह पर कुछ बढ़ाकर भी कुछ नंबर्स मिल जाए, हो सकता है आपको कई बार नंबर 16 ही मिले मगर उसमें जो नाम है वो कई बार आपको प्रोमिनेंटली चेंज होते हुए देखने को मिले। तो इस तरीके से कुछ अलग अलग जो दूसरे सोर्सेज हैं बौद्ध और जैन टेक्स्ट के अलावा भी जो दूसरे अगर आपके पास में कोई इस टाइम पीरियड के टेक्स्ट वगैरह मौजूद हैं या उसके बाद का भी कोई अगर टेक्स्ट मौजूद है जिसमें इस टाइम पीरियड की बात की गई है तो उसमें भी जनपदों का जिक्र तो आता है, महाजनपदों का जिक्र आता है मगर कई बार लिस्ट जो है वो चेंज हो जाती है, उसमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं या जो नाम है जनपदों के उसमें भी कई बार आपको वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी सोर्स को आप उठा लो उसमें कुछ जनपदों के नाम जो है या कुछ महाजनपदों के नाम कॉमन है। वज्जी का नाम हर महाजनपदों की लिस्ट में देखने को मिलता है, मगध का नाम हर महाजनपद की लिस्ट में देखने को मिलता है, कौशल देश या फिर कौशला इस पर्टिकुलर महाजनपद का नाम हर लिस्ट में है, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती का नाम प्रोमिनेंटली हर जो है महाजनपद में देखने के लिए मिलता है। प्लस इन सारी महाजनपदों के नाम फ्रीक्वेंटली बार बार जो है डिबेट में या जो भी डिस्कशन हो रहा होता है किसी भी टेक्स्ट में उसमें बार बार निकल कर आते हैं। इससे हमें यह भी पता चलता है कि हो ना हो ये सारी की सारी जो महाजनपदें थी, वज्जी हो गई, मगध हो गई, कौशल हो गई, कुरु हो गई, पांचाल, गांधार, अवंती, ये सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पावरफुल महाजनपद रही होंगी। बाकी भी अपना रेलेवेंस रखती होंगी मगर ये वाली जो महाजनपदें थी कंपैरेटिवली ये ज्यादा पावरफुल रही होंगी और इसलिए बार बार इनका हमको देखने के लिए मिलता है। एक बार मैप पर फिर से देखते हैं तो शायद अपने को इस बात की कुछ समझ भी लगेगी। यहां पर ध्यान से देखिए, अवंती जो महाजनपद है इसका इलाका बाकी सारी महाजनपदों की अपेक्षा प्रोमिनेंटली काफी ज्यादा है। मध्य प्रदेश का लगभग एक बड़ा हिस्सा जो है अवंती महाजनपद कवर कर रही है। अब इस पर्टिकुलर महाजनपद का क्योंकि एरिया ज्यादा है इसका मतलब यहाँ पर लोग भी जो है कंपैरेटिवली इसकी पॉपुलेशन भी ज्यादा रही होगी, यहाँ पर रिसोर्सेज वगैरह भी ज्यादा रहे होंगे तो साइज बड़ा होने के चलते नो डाउट ये एक पावरफुल महाजनपद के तौर पर निकल कर आई होगी। इसी तरीके से मगध का जिक्र बार बार निकल कर आता है, कौशल का जो जिक्र है वो बार बार निकल कर आता है। ये गंगा के किनारे बसी हुई आपकी छोटी ये महाजनपदें थी, यहाँ पर भी रिसोर्सेज वगैरह काफी रहे होंगे तो इसके चलते अपना इनका एक प्रोमिनेंस रहा होगा। कुरु महाजनपद जनपद जो है जो आज का वेस्टर्न यूपी का इलाका है और पांचाल महाजनपद इनका बार बार जिक्र देखने को मिलता है। तो ये क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ में ये भी गैंगेटिक आपके जो वैली है उसी का पार्ट है तो इसके चलते ये भी अपने कुछ ना कुछ प्रोमिनेंस रखती होंगी, यहाँ इनके पास में भी कुछ ना कुछ रिसोर्सेज वगैरह होंगे और कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसके चलते ये ज्यादा रेलेवेंट रही होंगी। तो ये पर्टिकुलर महाजनपद है हर एक आपका जो भी सोर्स है जिसमें हम लोगों को महाजनपदों के बारे में पता चलता है उसमें बार बार जो है इनका जिक्र देखने को मिलता है। इसके बेसिस पर हिस्टोरियंस का मानना यह है कि भाई हो ना हो ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे रेलेवेंट, सबसे पावरफुल किस्म की महाजनपदें रही होंगी। चलें अब बात करते हैं कि इन महाजनपदों में जो गवर्निंग अथॉरिटी थी वो किस तरह की हुआ करती थी, इनके ऊपर शासन प्रशासन किस तरह से चलाया जाता था। वाइल मोस्ट महाजनपद्स वेर रूल्ड बाय किंग्स, सम नोन एज गणास और संघास वेर ओलिगार्कीज वेर पावर वॉज शेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ मेन ऑफन कलेक्टिवली कॉल्ड राजास। मतलब ये कि ज़्यादातर महाजनपदों में व्यवस्था ये थी कि शासन करने का अधिकार एक राजा के पास में हुआ करता था। आपकी महाजनपद है, महाजनपद का एक राजा है और वही जो है पूरा शासन जो है उसको चलाता था, उसको उसके ऊपर अपना जो भी राज्य वगैरह है उसके ऊपर अपना राज किया करता था। ये ज़्यादातर महाजनपदों के केस में सही था मगर यही एकमात्र शासन करने का तरीका भी नहीं था। कई सारी ऐसी महाजनपदें भी हुआ करती थी जिनको या तो गणास के नाम से जाना जाता था या संघास के नाम से जाना जाता था। हिंदी में अगर अपन बोलेंगे तो या तो गण बोलेंगे या फिर संघ बोलेंगे। तो कई सारी ऐसी महाजनपदें भी थी जिनको गण या फिर संघ बोलते थे। ये ओलिगार्की हुआ करती थी, मतलब ये कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति रूल नहीं किया करता था, यहाँ पर पावर को एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक नंबर ऑफ मेन जो है वो कलेक्टिवली एक्सरसाइज किया करते थे और इन सबके सबको जो है राजा बोला जाता था। मतलब ये कि एंशियंट इंडिया में जो महाजनपदें हुआ करती थी वहां पर रूलिंग के दो तरीके निकल कर आते हैं। एक तो हमको ये पता चलता है कि ज्यादातर महाजनपदों में राजा हुआ करते हैं, एक राजा है और वो राजा जो है महाजनपद के ऊपर शासन कर रहा है। एक अपने को पता चलता है कि भाई कुछ जनपदें हैं जिनको या तो गण बोलते हैं या फिर संघ बोलते हैं, अंग्रेजी में गणास एंड संघास जैसा आपको ठीक लगे। तो गण या फिर संघ के नाम कहलाने वाली जो आपकी महाजनपदें हैं यहां पर एक आदमी या फिर एक राजा जो है वो रूल नहीं करता, यहां पर कई सारे लोग जो है कलेक्टिवली 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, नंबर अलग अलग हो सकता है बट द पॉइंट इज कि यहां पर एक से ज्यादा व्यक्ति, मोर देन वन, एक से ज्यादा व्यक्ति जो है, मोर देन
वन, एक से ज्यादा व्यक्तियों को जो है राजा बोला जा रहा है, और ये कलेक्टिवली, अकेले तौर पे नहीं या फिर इंडिपेंडेंटली भी नहीं, कलेक्टिवली जो है साथ में मिलकर शासन कर रहे हैं, साथ में मिलकर जो है शासन चला रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो शब्द ओलिगार्की आया है, इसका मतलब अपने को समझना बहुत जरूरी है। ओलिगार्की का क्या मतलब होता है, इसको जब अपन लोग समझेंगे तब अपने को ये बात ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी कि ये लोग कलेक्टिवली जो जिनको राजा कहा जा रहा है, ये लोग पावर गण में या फिर संघ में किस तरीके से एक्सरसाइज किया करते रहे होंगे। ओलिगार्की रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मैन। एग्जाम्पल, रोमन रिपब्लिक वॉज एन ओलिगार्की डिस्पाइट ऑफ हैविंग रिपब्लिक इन हर नेम। बोथ महावीर एंड द बुद्धा बिलोंग टू सच गणस। मतलब ये कि लेट्स से कि आपके पास में एक महाजनपद है, इस महाजनपद में लेट्स से इस महाजनपद के लोगों ने ये बोला कि भाई हमारे ऊपर कोई एक आदमी राज नहीं करेगा, हमारे ऊपर ये 10 लोगों का एक जो ग्रुप है, एक 10 लोगों का हम लोगों ने ग्रुप बना दिया और इसमें हर एक जो आदमी है उसको हम लोग राजा बोलेंगे। तो राजा नंबर एक, राजा नंबर टू, राजा नंबर तीन, ऐसे करते करते राजा नंबर 10, ये 10 के 10 लोग जो है साथ में इकट्ठा बैठेंगे। जब भी महाजनपद के रिस्पेक्ट में कोई डिसीजन लेना होगा तो ये 10 लोग या फिर ये जो 10 राजा आपके हैं, इनको आपने साथ में बैठा दिया। अब ये लोग बैठकर जो है साथ में कोई निर्णय लेंगे, साथ में कोई बैठकर ये फैसला करेंगे और उसके बाद उस फैसले को आपकी महाजनपद के ऊपर लागू किया जाएगा। तो जब भी आप इस तरीके की कोई व्यवस्था अपनाते हो या फिर इस तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाते हो जहां पर एक आदमी की जगह एक से ज्यादा लोग, अब वो नंबर ऑफ पीपल कुछ भी हो सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक से ज्यादा लोग जो हैं वो बैठकर अगर पावर एक्सरसाइज करते हैं, वो आपकी सरकार चलाते हैं, देश के लिए अगर फैसले लेते हैं, तो इस तरीके की व्यवस्था को कहा जाता है ओलिगार्की। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है रोमन रिपब्लिक। अब कहने के लिए रिपब्लिक का मतलब होता है लोकतंत्र, यानी कि जिसमें लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं या फिर लोगों के पास अल्टीमेट पावर होती है। कहने के लिए रोमन रिपब्लिक में रिपब्लिक शब्द लगा हुआ था, बट बेसिकली रोमन रिपब्लिक एक तरीके की ओलिगार्की थी। इसमें कुछ आपके हाई या फिर इलीट किस्म के जो लोग थे वो लोग बैठकर साथ में कलेक्टिवली फैसला लिया करते थे कि रोमन साम्राज्य को आपने किस तरह से चलाना है, कहां पर हमला करना है, कहां पर टैक्स लगाना है, कहां पर क्या करना है, क्या नहीं करना। तो बेसिकली जो काम एक अकेला राजा बैठ के करता था, अब उसी को 10 लोग बैठ के कर रहे हैं और 10 के 10 लोग आपके जो है राजा कहला रहे हैं। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है जो पुराने आपके रोमन रिपब्लिक में भी चला करती थी, उसको ओलिगार्की कहा जाता है। और इसी तरीके की व्यवस्था अपने को भारत के कुछ प्राचीन महाजनपदों में भी देखने के लिए मिलती है, जहां पर एक राजा नहीं होता था, जहां पर एक से ज्यादा लोग राज करते थे या एक से ज्यादा लोग कलेक्टिवली पावर को एक्सरसाइज करते थे, सारे के सारे जो है वो इंडिविजुअली राजा कहलाते थे। एक अकेला आदमी अपना कोई फैसला नहीं ले सकता, आपको साथ में बैठकर जो है फैसला लेना पड़ेगा। और इस तरीके के जो महाजनपद हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था गण या फिर संघ, अंग्रेजी में इनको बोला जाता है गणास या संघास। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारे महावीर हैं या फिर जो बुद्ध हैं, जिन्होंने जैन आप कह सकते हैं फिलॉसफी को आगे बढ़ाया था और बौद्ध धर्म की शुरुआत करी थी, तो महावीर और बुद्ध जो हैं ये दोनों इसी तरीके की दो ओलिगार्की से निकलकर आए थे, जिनको गण बोला जाता था या फिर जिनको इंग्लिश में हम लोग गणास बोल सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने को याद रखना है कि भगवान बुद्ध एंड भगवान महावीर दोनों ओलिगार्की से आते हैं, जिन महाजनपदों से आते थे वहां पर एक अकेला आदमी राज नहीं करता था, वहां पर एक ग्रुप ऑफ पीपल रूल करते थे जिनको राजा बोला जाता था। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि भगवान बुद्ध एंड भगवान महावीर जिन महाजनपदों से आते थे वो गण महाजनपदों की कैटेगरी में आती हैं, या फिर गण एंड संघ जो है उसकी कैटेगरी में ये बिलोंग करती थी। तो ये अपने को याद रखना है। इन सम इंस्टेंसेस एज इन द केस ऑफ वज्जी संघ द राजास प्रोबेबली कंट्रोल्ड रिसोर्सेस सच एज लैंड कलेक्टिवली। Although their histories are often difficult to reconstruct due to the lack of sources, some of these states lasted for nearly 1,000 years. तो अगर हम लोग कुछ अगर जैसे गण या संघों की बात करें, जैसे स्पेसिफिकली बज्जी संघ की बात की गई है, तो यहाँ पर ये जो ये भी एक बेसिकली ओलिगार्की हुआ करती थी और यहाँ पर ये जो सारे के सारे राजा थे जो इफेक्टिवली बैठकर यहाँ पे शासन चलाते थे, इनका ये इनके बारे में ये बताया गया है कि ये कलेक्टिवली इस बज्जी संघ या फिर बज्जी महाजनपद के जितने लैंड रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर इनका कंट्रोल हुआ करता था। देखिए इसको इस तरह से समझिए कि एक महाजनपद है, उस महाजनपद का एक राजा है। अब ये जो पूरा का पूरा राज्य है वो इस राजा का है। अब वो राजा की मर्जी है कि वो किसी को जमीन देना चाहे तो दान में दे सकता है, किसी से अगर जमीन लेना चाहे या उसकी प्रॉपर्टी जब्त करना चाहे तो ले सकता है, उसको मृत्यु दंड देना चाहे, सजा देना चाहे, इनाम देना चाहे, वो सारी चीजें कर सकता है। अब अगर इसी की जगह अपन लोग ये बोलें कि भाई ये एक पर्टिकुलर महाजनपद है, वहां पर एक राजा नहीं है, राजा है या फिर बहुत सारे राजन जो है वहां पर बैठे हुए हैं। अब ये बहुत सारे जो राजा यहाँ पे बैठे हुए हैं, नंबर ऑफ राजा जो बैठे हुए हैं, ये फैसला लेंगे कि किसी को जमीन का दान करना है या नहीं करना, किसी से जमीन वापस लेनी है या नहीं लेनी, किसी के ऊपर आपको जो है कोई सजा देनी है, उसे कोई पुरस्कार करना है। एक आदमी बैठ के फैसला नहीं करेगा, ये सारे के सारे लोग जो है बैठ के फैसला करेंगे। तो वज्जी जो आपकी संघ है या फिर जो वज्जी महाजनपद थी, इसके बारे में स्पेसिफिकली ये बात अपने को पता है हिस्टोरिकल सोर्सेज वगैरह से
कि यहाँ पर जो ये बेसिकली एक ओलिगार्की हुआ करती थी, और यहाँ पर जो राजा रूल किया करते थे इफेक्टिवली साथ में मिलकर, ये लोग लैंड और सारी के सारे जो दूसरे रिसोर्सेज हैं लैंड से रिलेटेड, उनको कलेक्टिवली उनको कंट्रोल किया करते थे। उसके बारे में जो भी फैसला होना था वो सब लोग साथ में बैठ कर लिया करते थे। हालांकि अब इन सारे बाद में, क्योंकि जैसे जैसे मगध का राइज हुआ है, तो ये जितने भी छोटे छोटे आपके गण और संघ थे वो अल्टीमेटली फिर मगध का जो अंपायर बना बाद में, उसमें शामिल होते चले गए, ये एब्जॉर्ब हो गए, तो इनमें से काफ़ी सारे जो है ख़त्म भी हो गए। मगर कई सारे ऐसे छोटे छोटे आपके गण और संघ बचे हुए थे, खासतौर पर हिमालय का जो फुटहिल है उसकी अगर बात की जाए तो वहाँ पर आपको इस तरीके के गण और संघ देखने के लिए मिलते हैं, जिन जो लगभग हज़ार हज़ार साल तक जो है एग्जिस्ट किए थे, हज़ार हज़ार साल तक वो आपको अस्तित्व में देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि इनकी हिस्ट्री आज की तारीख में लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादा सोर्सेज इसके बारे में अपने पास में नहीं है। मगर हाँ, हमारे को कई सारी जातक की कथाओं में और काफ़ी सारे दूसरे सोर्सेज में पता चलता है कि हिमालय के फुटहोल्ड्स में खासतौर पर इस तरीके के छोटे छोटे गण और संघ जो हैं काफ़ी लंबे वक्त तक एग्जिस्ट किए थे। कई सारे ऐसे थे जो हज़ार हज़ार साल तक जो हैं अस्तित्व में रहे, थाउजेंड ईयर्स तक उनका एग्जिस्टेंस हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात है। इतने लंबे वक्त तक जनरली बड़े बड़े एम्पायर्स बहुत कम टिके हैं, हज़ार साल तक शायद ही कोई एम्पायर है जो टिका है, या फिर कोई इतना बड़ा जो राज्य है वो टिका है। मगर इस तरीके के छोटे छोटे जो हैं आपके गण और संघ जो हैं थाउजेंड ईयर्स तक कई सारे एग्जिस्टेंस में रहे, कई सारे जो हैं सर्वाइव कर गए। ये भी अपने आप में बड़ी फैसिनेटिंग या फिर एक इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है जी, तो ये अपन लोगों ने देख लिया। ईच महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी विच वॉज ऑफन फोर्टिफाइड, मेंटेनिंग दीज फोर्टिफाइड सिटीज एज वेल एज प्रोवाइडिंग फॉर इंसिपिएंट आर्मीज एंड ब्यूरोक्रेसीज रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। तो ये जो जितनी भी महाजनपदें थी, चाहे इन महाजनपदों के ऊपर कोई राजा रूल करे अकेला, या फिर इनके ऊपर एक ग्रुप ऑफ पीपल रूल करे, यानी कि चाहे तो वो आपकी एक सिंपल किंगडम हो सकती है या फिर कोई आपका ओलिगार्की हो सकती है, डजेंट मैटर। मगर हर महाजनपद की एक पर्टिकुलर कैपिटल सिटी हुआ करती थी, एक राजधानी हुआ करती थी, एंड जनरली इस राजधानी के चारों तरफ में फोर्टिफिकेशन या फिर किलेबंदी देखने के लिए मिलती थी। मतलब लेट से ये आपका एक बड़ा सा महाजनपद है, अब आपने यहाँ पर जो है अपनी छोटी एक राजधानी बना ली, ये आपका कैपिटल हो गया। अब ये कैपिटल बनाकर आप यहाँ से राज कर रहे हो, और यहाँ पर जनरली जो है इस कैपिटल के चारों तरफ में किलेबंदी करवाई जाती थी, ताकि इसकी अच्छे से प्रोटेक्शन या फिर सुरक्षा वगैरह की जा सके। ये आपको हर जगह देखने को मिलता है, चाहे वो महाजनपद एक राजा के द्वारा रूल की जा रही हो, चाहे वो दस राजाओं के द्वारा रूल की जा रही हो, डजेंट मैटर। बट सब जगहों पर यह बात कॉमन थी कि हर एक का महाजनपद का अपना कैपिटल सिटी था, और उसके ऊपर एक फोर्टिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता ही था। मेंटेनिंग दीज फोर्टिफाइड सिटीज एज वेल एज प्रोवाइडिंग फॉर इंसिपिएंट आर्मीज एंड ब्यूरोक्रेसीज रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। अब जाहिर सी बात है, इस तरीके की अगर आपने बड़ी बड़े शहर बनाए हैं, उसके चारों तरफ में किलेबंदी करवाई है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी। आप लोग पागल तो है नहीं कि फ्री में आपका काम करेंगे। अगर आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी और आप उनसे सारा काम करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर उनको कुछ पैसे या कुछ चीज़ें देना पड़ेंगी, ताकि उनकी जिंदगी भी चल सके। तो कुल मिलाकर अब इतने बड़े बड़े फोर्टिफाइड सिटीज़ को अगर आपने मेंटेन करना है, इनकी सुरक्षा करवानी है, इनमें अगर आपको एक नॉर्मल जिंदगी चलानी है, तो इसके लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो एक सेना रखनी पड़ेगी, और दूसरा एक का पूरा ब्यूरोक्रेसी या फिर एक प्रशासन का तंत्र खड़ा करना पड़ेगा। और ये दोनों चीजें करने के लिए जरूरत पड़ती है लोगों की, और लोगों को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए जरूरत पड़ती है रिसोर्सेज की। अब आदमी को रखोगे तो खिलाना भी पड़ेगा, कपड़े भी देना पड़ेंगे, घर भी देना पड़ेगा, तनख्वाह के नाम पर भी कुछ देना पड़ेगा, ताकि वो अपने बाल बच्चों का जो है पालन पोषण कर सके। और ये सारी चीजें करोगे तभी जाके वो, अगर आप सेना के में उसका इस्तेमाल कर रहे हो तब वो आपको सुरक्षा दे पाएगा, और अगर आप ब्यूरोक्रेसी में इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर वो आपका शासन प्रशासन चला पाएगा। तो ये सारी चीजें करने के लिए अब आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने लगी। अब देखिएगा इस बात को, पहले क्या होता है, स्टेट बनता है। स्टेट बनने के बाद में वक्त के साथ में हर एक स्टेट, चाहे वो एक राजा के द्वारा रूल होता है, चाहे वो एक ओलिगार्की हो, उसका अपना एक कैपिटल सिटी बनकर तैयार होता है। जनरली ये कैपिटल सिटी आपके पूरे महाजनपद का सबसे बड़ा और सबसे वैभवशाली नगर होता है। उस कैपिटल सिटी के चारों तरफ फोर्टिफिकेशन बनाकर उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। अब यहाँ पर आपने इतना बड़ा अंपायर बना लिया है, जिसका आप एक कैपिटल भी मेंटेन कर रहे हो, उसकी सुरक्षा भी करवानी है। यहाँ से अब आपको ज़रूरत पड़ रही है आर्मी की, और साथ ही साथ आपको ज़रूरत पड़ रही है ब्यूरोक्रेसी की, और ये दोनों चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत पड़ रही है रिसोर्सेज की। मैं एग्जैक्टली पैसा तो नहीं बोलूँगा, मगर हाँ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है जिसके बदले में लोग आपके लिए ये काम करने को तैयार हो जाएं। तो यहाँ से अब हम कह सकते हैं कि बड़े अलग अलग इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो हैं शुरू होते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स के रिस्पेक्ट में हो, या टैक्सेशन के रिस्पेक्ट में हो, वॉर के बारे में हो, ये सारी बातें जो हैं यहाँ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न लेना शुरू करती हैं, उसको हम लोग यहाँ से देखते हैं। फ्रॉम सिक्स सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, Brahmins began composing Sanskrit texts known as Dharma Sutras. These laid down norms for rulers who were ideally expected to be Kshatriyas as well as other social categories. तो अब हम लोगों ने यह देखा कि resources की जरूरत है आर्मी और ब्यूरोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए, और काफी सारी चीजों की अब जरूरत लग रही है। तो इसी टाइम पीरियड में, इसी छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में, ब्राह्मणों ने एक नई चीज शुरू करी। उन्होंने संस्कृत में
एक किताब का या फिर एक से ज्यादा किताबों को लिखना शुरू किया जिनका नाम था धर्मसूत्रास या धर्मसूत्र जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो ब्राह्मणों ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से संस्कृत में धर्मसूत्रों को लिखना शुरू किया। अब धर्मसूत्र वो किताबें थी या फिर वो टेक्स्ट थे जिसमें पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए थे रूलर्स के लिए कि आपने अपना शासन कैसे चलाना है। जनरली जो शासन करने वाला रूलर या फिर राजा हुआ करता था आइडियली एक्सपेक्ट ये किया जाता था कि वो एक क्षत्रिय होगा और साथ ही अब उसको किस तरीके से शासन करना है, किस तरीके से उसको रूल करना है, एक रूलर के तौर पर उसकी क्या ड्यूटीज है और उसके क्या ड्यूटीज वगैरह हैं, सारी चीजें जो है उसमें लिखी हुई थी। साथ ही साथ जो दूसरी आपकी सोशल कैटेगरीज हैं रूलर के अलावा जो दूसरे आपके लोग किसी भी आपके किसी आप कह सकते हैं किसी अंपायर में अगर रह रहे हैं, किसी राज्य के अगर अधीन है, किसी राजा के अगर आप अंडर में हैं, तो उनके भी फिर क्या आपके कह सकते हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या उनके फंक्शंस हैं, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है एक नागरिक के तौर पर, उनका धर्म या फिर उनका कर्तव्य क्या है, ये सारी चीजें भी धर्मसूत्र में लिखी हुई थी। इंटरेस्टिंग बात है कि यहां पर धर्मसूत्र में जो भी बातें लिखी हुई हैं उनका रिलीजियस सेंस नहीं बनता है, उनका मतलब बनता है ड्यूटी के साथ में। एक रूलर के लिए यह बोला गया है कि सबसे जरूरी आइडियली बेहतर होगा कि अगर वो क्षत्रिय हो, मतलब अगर क्षत्रिय ना हो तो भी चल जाएगा, मगर जहां तक हो सके क्षत्रिय होना जरूरी है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी कि हर बार आपका जो रूलर है वो क्षत्रिय ही हो ऐसा भी जरूरी नहीं होता था, कई बार आपको ऐसे भी लोग देखने को मिले हैं जो क्षत्रिय नहीं थे बट वो रूलर बने और उन्होंने भी शासन चलाया था। तो इसीलिए धर्म सूत्रों में ऐसा नहीं लिखा था कि क्षत्रिय नहीं हो तो आप रूलर नहीं बन सकते, मगर हाँ ये बात बोली गई थी, प्रेफरेंस दिया गया था कि अगर आइडियली आप क्षत्रिय हो तो बेहतर। अब इसी में फिर यह भी बताया गया था कि आपने जब शासन करना है तो भैया फिर आपका धर्म क्या रहेगा, धर्म सूत्र में बेसिकली धर्म लिखा गया। तो यहां पर एक रूलर के धर्म के तौर पर जो बातें बताई गई थी उसका मतलब रिलीजन नहीं था, उसका मतलब ड्यूटी था। एज अ रूलर आपकी क्या ड्यूटी है, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, क्या आपको करना चाहिए क्या आपको नहीं करना चाहिए, सारी बातें लिखी हुई थी। इसी के साथ ही साथ फिर जो आपकी दूसरी सोशल कैटेगरीज हैं उनके लिए भी यही बात लिखी हुई थी कि एक रूलर के अंडर में, एक राजा के अंडर में अगर आप रह रहे हो तो एक प्रजा के तौर पर आपकी अलग अलग सोशल कैटेगरीज की क्या क्या ड्यूटीज हैं, वो भी सारी बातें इसमें स्पेसिफाई की गई थी। और ये ड्यूटीज ना मानने की परिस्थिति में, ये ड्यूटीज अगर आप नहीं निभाते हो फिर आपके साथ में क्या क्या हो सकता है, उसको भी बकायदा स्पेसिफिकली डिस्क्राइब किया गया था। तो अकॉर्डिंगली जो रूलर्स थे उनको ये बोला गया था कि भाई आप अपनी प्रजा से टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं और ट्रिब्यूट्स यानी कि गिफ्ट्स वगैरह भी ले सकते हैं। अब इसमें आप ये टैक्सेस और अपनी जो ट्रिब्यूट्स हैं वो किस किस से कलेक्ट करोगे, सबसे पहले तो कल्टीवेटर यानी कि जो किसान है उससे आप ये टैक्स या फिर ट्रिब्यूट कलेक्ट कर सकते हो, दूसरा आप जो ट्रेडर्स हैं जो व्यापार कर रहे हैं उनसे आप ये ट्रिब्यूट कलेक्ट कर सकते हो, और तीसरा जो आर्टिसंस हैं यानी कि जो काश्तकार हैं या फिर जो कल्टीवेशन के अलावा जो अदर मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई सोने का काम कर रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई कपड़े बनाने का काम कर रहा है, तो अलग अलग जो आपके आर्टिसंस वगैरह हैं जो प्रोडक्शन में लगे हुए हैं अदर देन कल्टीवेशन, उनसे भी जो है आप टैक्स वगैरह ले सकते हो या ट्रिब्यूट ले सकते हो। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये निकल कर आता है कि जो चार वर्णों की व्यवस्था थी जिसमें ब्राह्मण या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की बात की जाती थी, यहाँ पर उस बेसिस पे आपको टैक्सेशन वगैरह के लिए नहीं बोला गया, यहाँ पे ये बोला गया है कि या तो कल्टीवेटर से ले लो या ट्रेडर से ले लो या आर्टिसंस वगैरह से ले लो। मतलब ये जो जाति एवं वर्ण की व्यवस्था है इस वक्त तक अभी जब धर्मसूत्र लिखे जा रहे थे तब तक एकदम क्रिस्टलाइज नहीं हुई थी, और इसको क्रिस्टलाइज होने में वर्ण व्यवस्था को काफी ज्यादा के बेसिस पर जो एक कह सकते हैं क्रिस्टलाइज किस्म का जो सेग्रीगेशन है उसको आने में भी टाइम था, ये पॉइंट अपन यहाँ से देख सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जिस वक्त राजाओं को ये कमी लग रही थी, रिसोर्सेज आपके पास कम पड़ रहे हैं, कहाँ से व्यवस्था की जाए, उसी टाइम पीरियड में धर्म शास्त्रों को लिखा जाता है और ये बात इंश्योर की जाती है कि ये तीन कैटेगरी से आपके राज्य में कल्टीवेटर यानी कि जो खेतीबाड़ी कर रहा है, ट्रेडर यानी कि जो किसी भी तरीके का व्यापार कर रहा है, और आर्टिसन यानी कि जो खेतीबाड़ी का जो कल्टीवेशन है इसके अलावा जो किसी और तरीके का मोड्स ऑफ प्रोडक्शन कर रहा है, इनसे जो है आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, इनसे आप ट्रिब्यूट्स वगैरह इकट्ठे कर सकते हो। अब यहीं से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल निकल कर आता है, इस सवाल को डिस्कस करने के पहले एक बार फिर से मैप देखिए। हम लोग सबसे पहला जो मैप है उसको देखते हैं, ये अपना अवंती महाजनपद है, ये छेदी महाजनपद है, ये काशी हो गया, ये मगध हो गया, अंग हो गया, वज्जी हो गया, ये मल्ला हो गया, इसी तरीके से ये कौशल राज्य हो गया, पंचाल हो गया, कुरु हो गया, मत्स हो गया, सूरसेना, ये प्रोमिनेंटली जितने भी आपके राज्य थे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन राज्यों में सारी जो जमीन थी वो एकदम फ्लैट ग्राउंड था और यहाँ पे सब लोग जो है एकदम बड़े बड़े शहर बना के रह रहे थे। ज्यादातर इलाका तो इन महाजनपदों का भी जो है वो जंगलों से घिरा हुआ था, या ज्यादातर इलाकों पर यहाँ पर भी आपको जंगल देखने के लिए मिलते हैं, और जंगल ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ उसमें जंगली जानवर रहते हों, जंगलों में भी इंसान रहा करते थे जिनको अपन लोग वनवासी बोलते हैं, तो जंगलों में भी इंसान रहा करते थे जिनको वनवासी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो आपके धर्म सूत्र या धर्म शास्त्र हैं वो ये कह रहे हैं कि आप कल्टीवेटर से टैक्स ले लो, ट्रेडर से टैक्स ले लो, आर्टिसन से टैक्स ले लो। यहीं से अगला क्वेश्चन अपने दिमाग में ये आएगा कि यार महाजनपद का ज्यादातर इलाका जो है उस पर तो जंगल वगैरह देखने को मिलते हैं, तो इन जंगलों में जो आपके फॉरेस्ट में रहने वाले लोग रहा करते थे वो हो गए, या फिर जो आपका पेस्टोरलिस्ट वगैरह हो गए, जो पशुपालन करने वाले लोग हो गए, जो भी प्रोमिनेंट जिनका भी लेना देना प्रोमिनेंटली जंगलों के साथ में ही था, इनसे टैक्सेस वगैरह कलेक्ट किए जाते थे या नहीं किए जाते थे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ से बनकर आता है। आपके पास में महाजनपद है, महाजनपद
महाजनपद में कितनी पॉपुलेशन होगी, लाख लोग रहते होंगे, 2 लाख लोग रहते होंगे, इससे ज्यादा तो लोग नहीं रहे होंगे उस टाइम पीरियड पर, पॉपुलेशन तो इतनी ज्यादा थी नहीं। इसमें से जो भी आपकी पॉपुलेशन है, एक प्रोमिनेंट पॉपुलेशन जंगल में या तो रहती है या जंगल के से रिलेटेड है, उसके जो भी काम वगैरह है लेट से, और इतने इलाके में आपका फॉरेस्ट फैला हुआ है, इतने इलाके में बाकी लोग हैं, उनसे आपने टैक्स वगैरह कलेक्ट कर लिया, मगर प्रोमिनेंट इलाके में आपका जंगल फैला हुआ है और जंगल में रहने वाले आपके वनवासी या फॉरेस्ट पीपल हैं और इसी इलाके में आपके जो पशुपालन करने वाले पेस्टोरलिस्ट हैं, इनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था या नहीं किया जाता था, इनसे भी जो है रिसोर्सेज वगैरह या ट्रिब्यूट लिए जाते थे या नहीं लिए जाते थे, एक सवाल ये बड़ा इंटरेस्टिंग निकल कर आता है और इसका जवाब हिस्टोरियंस के पास में एक्चुअल में नहीं है। हमारे पास में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें या तो राजा ने ये बोला हो कि भाई मैं अपने वनवासियों से टैक्स वगैरह लेता हूँ, ना फिर वनवासियों ने ऐसा कोई रिकॉर्ड छोड़ा है अपना, या उनकी लोक कथाओं में, या फिर लोक गीतों में या लोक श्रुतियों में कहीं पर उनको कुछ पता चलता है इस तरीके का, तो एक्जैक्टली हम लोग कुछ कह नहीं सकते। इससे हमको यही समझ में आता है कि प्रोमिनेंटली जो ये तीन कैटेगरीज थी, कल्टिवेटर, ट्रेडर एंड आर्टिसंस, जिन जो बेसिकली एक सेटल्ड किस्म की लाइफ अब तक जीने लगे थे, या तो खेतीबाड़ी कर रहे थे या व्यापार में लगे थे, या खेतीबाड़ी और व्यापार न करके किसी और तरीके की काश्तकारी किया कर रहे थे, प्रोमिनेंटली यही लोग जो है टैक्स वगैरह दिया करते थे। जो हिस्सा जिससे शासन चलता था टैक्स वगैरह के बेसिस पर, वो इन्हीं लोगों से निकल कर आता था। पशुपालन करने वाले या जंगल में रहने वालों से टैक्स लिया जाता था या नहीं लिया जाता था, इसके बारे में अपन लोग जाहिर तौर पर बहुत कॉन्फिडेंट तौर पर अपन कुछ कह नहीं सकते। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे भी निकल कर आती है, ये अपने को पता है कि अगर कोई नेबरिंग स्टेट है, अगर कोई लेट से कि एक महाजनपद ये हो गया, इसको अपन M1 बोल देते हैं, और एक महाजनपद ये हो गया, इसको हम लोग M2 बोल देते हैं, तो अगर ये महाजनपद M1 चाहे तो M2 के ऊपर अटैक कर यहाँ पे रेड कर सकती है, और यहाँ से रेड करने में या लूट मार करने में उसको जो भी चीज़ें मिलती हैं या फिर जो भी धन वगैरह मिलता है जिसको लाकर फिर वो अपना शासन चलाती है, तो फिर इस चीज़ को गलत नहीं माना जाता था। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल कर आता है कि अगर कोई एक महाजनपद या कोई राजा या कोई स्टेट चाहे तो वो अपने दूसरे पड़ोसी राजा के ऊपर अटैक कर सकता है, वहां पर रेड कर सकता है, रेड करके लूट मार कर सकता है, और वहां से फिर जो है युद्ध करके उससे वेल्थ वगैरह को एक्वायर कर सकता है, और उसको लाकर फिर इसकी मदद से अपना शासन चला सकता है। इस चीज को गलत नहीं माना गया था, इस चीज को लेजिटिमेट माना गया था। इसके पीछे का लॉजिक समझना आसान है। सपोज कर लीजिए कि आपके पास में एक महाजनपद है M1 और एक दूसरी महाजनपद है M2। सपोज कर लेते हैं ये जो महाजनपद M1 है, इस यहाँ पर जो है इस वक्त ज़्यादा अच्छी बारिश नहीं हुई थी, या फिर किसी भी वजह से यहाँ पर फसल वगैरह खराब हो गई, या फिर जो भी आपका अगर फसल खराब हो गई तो फिर ज़्यादातर जो व्यापार होता था वो तो अनाज का ही होता था, व्यापार भी बढ़ जाएगा। अब ज़्यादातर लोगों का व्यापार नहीं हो रहा या फसल नहीं हुई तो फिर काश्तकार भी सामान किसको बेचेंगे, उनका भी जो है व्यापार नहीं चलेगा। तो पता चला कि वो जो प्रोमिनेंट तीनों कैटेगरी हैं जिससे आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, एक फसल खराब हो गई इसलिए ज़्यादा नहीं दे पाएगा, एक क्योंकि फसल खराब हो गई तो व्यापार नहीं हुआ इसलिए ज़्यादा नहीं दे पाएगा, और क्योंकि यही दोनों इसके मेन कस्टमर्स हुआ करते थे, इनके पास में पैसे नहीं है तो फिर इसका भी सामान नहीं बिका तो ये भी नहीं दे पाएगा। पता चला कि इस बार जो ये M1 वाली जो आपकी महाजनपद, इसका टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गया, मगर अब शासन तो चलाना है, अब क्या किया जाए। ऐसी परिस्थिति में उसको खबर लगती है कि जो M2 महाजनपद है भाई यहाँ पर टैक्स कलेक्शन भी अच्छा है, लोगों के पास पैसा वैसा भी खूब है और काफ़ी वैभव है, और अपने पास में अभी स्थिति खराब है तो क्या करें। अगले साल तक जब तक अपन को फिर से टैक्स वगैरह कलेक्शन करना है मानसून वगैरह के बाद में, तब तक तो पता चला बहुत लेट हो जाएगा, ऐसे में अब क्या करें। तो अपन ने काम किया, उठा के कर दिया रेड, या फिर अपने पास में जो आर्मी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन अपन ने इतना बना रखा है, लोगों को लेकर गए, अपन ने चढ़ाई कर दी, यहाँ से लूटमार मचाई, वेल्थ इकट्ठी करी और उसको लेकर वापस आ गए, क्योंकि अपने को भी जिंदा रहना है, काम तो चलाना पड़ेगा, और उसकी मदद से फिर जो है अपन लोग अपना शासन वगैरह चला रहे हैं। इस चीज़ को धर्मशास्त्रों में, धर्म सूत्रों में भी गलत नहीं माना गया, इसको सामाजिक तौर पर भी लेजिटिमेट माना जाता था, क्योंकि राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना, उसके हितों का पालन करना, और अगर इसके लिए उसको फिर किसी दूसरे राज्य के ऊपर अटैक कर वहां से वेल्थ एक्वायर करना भी पड़ रही है, तो इस चीज़ को भी करना वाजिब माना जाता था, लेजिटिमेट माना जाता था। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको याद रखना है कि नेबरिंग स्टेट्स के ऊपर रेड कर उनसे वेल्थ एक्वायर करना लेजिटिमेट सोर्स माना गया था, रिकॉग्नाइज था, इसको गलत नहीं माना गया था। अच्छा, अब रेगुलर बेसिस पर जब लोगों को पता चला कि यार अपन इसके ऊपर हमला कर जो है रिसोर्सेज वगैरह इकट्ठा कर सकते हैं, तो फिर ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। M1 वाले ने पहली बार पता चला मजबूरी में जो है M2 के ऊपर अटैक किया था, महाजनपद 1 ने महाजनपद 2 के ऊपर मजबूरी में अटैक किया था, तब खाने के जो दिक्कत हो गई थी, मगर जब उसको पता चला कि यार यहाँ पर जाके इन लोगों के पास तो बहुत सारा है और खूब सारी वेल्थ इकट्ठी करके वो लेकर आ गया, ना सिर्फ उसने अपना शासन अच्छे से चलाया बट जो वेल्थ थी उसके चलते उसकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो गई, तो अब ये जो M1 महाजनपद वाला आदमी है या जो रूलर है उसकी स्थिति हो जाएगी मिर्जापुर के गुड्डू भैया जैसी। वो जो डायलॉग है कि शुरू मजबूरी में किए थे बट अब मजा आने लगा है, तो बस वही वाली बात यहाँ पर हो जाएगी। तो भाई ने देखा कि यार इसमें तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इसमें तो अपन गए अटैक वटैक किया, ज़्यादा कुछ नाटक नहीं हुआ, लेकर आ गए, यही काम अपन फिर से कर सकते हैं। तो पता चला भाई ने फिर M2 के ऊपर कुछ वक्त के बाद में रेड कर दी, M2 के बाद में उसने अलग महाजनपद M3 के ऊपर रेड कर दी, इसी तरीके से इसने किसी और के ऊपर रेड कर दी। तो जैसे जैसे अब यही चीज़ जो M3 ने M2 के ऊपर रेड कर दी या फिर M4 ने जो M1 के ऊपर रेड कर दी, तो ये जो महाजनपदें थी एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हमला
लंबा कर बड़ी मात्रा में वेल्थ वगैरह जो है उसको एक्वायर कर अपने राज्य में लेकर जाने लगे, और इस तरीके से भी जो है लूट मार भी एक तरीके या अटैक कर लूट मार करना और पैसा इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना, रिसोर्सेज इकट्ठे करना, उससे अपना जो है फिर शासन प्रशासन चलाना इसको, क्योंकि लेजिटिमेट माना जाता था, तो फिर ये धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब जब इस तरीके की चीज़ें होने लगी तो फिर धीरे धीरे स्टेट्स ने इसको काउंटर करने के लिए और इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से करने के लिए स्टैंडिंग आर्मीज को मेंटेन करना शुरू कर दिया। पहले ये होता था कि जो आदमी किसान है नॉर्मल टाइम पीरियड पे, अब रेड मारने चलना है, उससे बोल दिया कि अब खेती किसानी छोड़ भैया, रेड मारने चलना है, वो चले गए रेड मारी, वहां से फिर बच बचा के अगर आ गए तो फिर अपना खेती किसानी करने लगे। तो पहले कोई रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी, एक आदमी एक काम कर रहा है, उसके बाद में लड़ने मरने की जरूरत पड़ी तो वही दूसरा काम करने लगा, वो काम खत्म हो गया तो फिर वो लौट के आ गया और अपना नॉर्मल जो पेशा था उसमें फिर से लग गया, अपनी नॉर्मल जिंदगी चलने लगी। मगर अब ऐसा नहीं हुआ, जब एक के बाद एक के बाद एक अटैक्स और इस तरीके की रेड बढ़ने लगी तो इसको ज्यादा रेड को ज्यादा अच्छे से करने के लिए और रेड अगर होती है तो इसको रोकने के लिए, दोनों चीजों के लिए आपके अलग अलग महाजनपदों ने अपनी अपनी अलग अलग स्टैंडिंग आर्मीज जो है रेगुलर आर्मीज मेंटेन करना शुरू कर दी, जिनका काम ही जो था वो लड़ना भिड़ना था, या तो अटैक करना था किसी दूसरे राज्य के ऊपर लूटमार करने के लिए, या फिर अगर आपके ऊपर अटैक हुआ है तो फिर उसको डिफेंड करना था, उस लूटमार से अपने राज्य को बचाना था, दोनों चीजों के लिए आपको आर्मी की जरूरत पड़ने लगी और ये स्टैंडिंग आर्मीज फिर यहाँ से डेवलप होना शुरू हुई। साथ ही साथ अब क्योंकि आपके शासन प्रशासन बढ़ गए थे, आर्मी मेंटेन करना पड़ रही है, यानी कि आपका आपका जो महाजनपद है वो काफी ज्यादा मजबूत हो गया था, काफी वहां पर रेवेन्यू और रिसोर्सेज इकट्ठे हो गए थे। अब इतने रेवेन्यू और रिसोर्सेज को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से किया जाए, किसको कितनी तनख्वाह दी जाए, किससे क्या काम लिया जाए, आपका पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कैसे प्रबंध किया जाए, इसके लिए फिर आपको एक रेगुलर ब्यूरोक्रेसी की या फिर एक प्रशासन की भी जरूरत पड़ने लगी। तो लोगों को स्पेसिफिकली जो है फिर ब्यूरोक्रेसी के काम के लिए जो है रिक्रूट किया जाने लगा कि अब से भैया तुम्हारा काम ही जो है वो ब्यूरोक्रेसी का है, अब ये नहीं है कि तुम अपने खेतों में भी काम करोगे और उसके बाद फ्री होके आए और तुमने हमारी थोड़ी सी मदद कर दी, अब ऐसा नहीं है, अपना खाना पीना लेकर आओ, दिन भर बैठकर ब्यूरोक्रेसी का काम करो और शाम को घर जाओ, और जो भी एक ड्यूरेशन होता होगा उसके बाद में इस पर्टिकुलर काम का तुम्हें मेहनत आना भी मिलेगा, कुछ ना कुछ या फिर कुछ ना कुछ सैलरी भी दी जाएगी। तो इस तरीके से इस टाइम पीरियड पे ये जो लगातार रेड्स हो रही थी, ये जो एक दूसरे की लूट मार करने का जो एक पूरा लेजिटिमेट बिजनेस शुरू हो गया था, इसके चलते रेगुलर आर्मीज अस्तित्व में आ जाती हैं, हर एक आपका जो हर एक जो महाजनपद है वो अपनी खुद की एक फौज रखना शुरू कर देता है, और क्योंकि लूट मार वहीं पर होगी जहां पर पैसा होगा, तो उस वेल्थ के रीडिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में, उस वेल्थ को कैसे ऑर्गेनाइज कराना है, उसका कैसे इस्तेमाल करना है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो रेगुलर बेसिस पर रखा जाने लगा। अदर्स कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन मिलिशिया रिक्रूटेड मोर ऑफन फ्रॉम देन नॉट फ्रॉम द पीजेंट्री। तो ज्यादातर जो आपकी महाजनपदें थी जहां पे लगातार हमले हो रहे थे, तो उन्होंने तो यह करना शुरू कर दिया जिनके साथ में इतना खतरा नहीं था, जैसे कि ऐसी कोई महाजनपद है जो पहाड़ों से घिरी हुई है या फिर ऐसी कोई महाजनपद है जहां पे जनरली रेड नहीं होती है, तो वो लोग फिर इस तरीके की स्टैंडिंग आर्मीज और ब्यूरोक्रेसी वगैरह मेंटेन नहीं करते थे, वो लोग फिर अपना जो नॉर्मल अपना पीजेंट्री है उन्हीं लोगों से काम चलाते थे कि भाई अभी तो अपना नॉर्मल काम करो, मगर अगर कभी लड़ने बढ़ने की जरूरत हो तो आ जाना, ये पुराने ढर्रे पर चलते रहे क्योंकि इनको उतना खतरा नहीं था या उनको इतनी जरूरत नहीं लगी। जिनको सबसे ज्यादा खतरा था, सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिनको सबसे ज्यादा लूटमार करनी थी, उन्होंने इस तरह से स्टैंडिंग आर्मीज एंड ब्यूरोक्रेसीज वगैरह बनाना शुरू कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि कुछ महाजनपदें जो है वो वक्त के साथ में मजबूत होती चली गई, स्ट्रॉन्गर होती चली गई, और कुछ जो है वो कंपैरेटिवली उतनी मजबूत नहीं हुई, तो अल्टीमेटली फिर वो जो थी इन बड़ी स्ट्रॉन्गर महाजनपदों ने उनको अटैक कर उनको अपने कब्जे में ले लिया, उनको जो है कंज्यूम कर लिया और अपने अंपायर का या फिर अपने शासन का पार्ट बना लिया। तो ये भी एक वजह थी, कई सारी जो छोटी छोटी आपकी महाजनपदें थी वो वक्त के साथ में खत्म हो गई और कुछ जो है बाद में आते आते प्रोमिनेंटली मजबूत या पावरफुल महाजनपदें जो है वो हमको अस्तित्व में देखने के लिए मिलती हैं।